हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अध्याय नंबर 3, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। तो हमारा संविधान तत्व और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। 42वां संविधान 1976 जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, और केशवानंद भारती मामले में 1973 में संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है, ऐसा कहा गया था। अर्थात आधारभूत ढांचे का सिद्धांत इसमें दिया गया था। आप केशवानंद भारती मामले पे मेरा सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं, आपको मददगार होगा। तो चलिए संविधान की विशेषताएं देखते हैं। देखिए, पहली विशेषता तो यही है कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। जैसे अमेरिका और भारत में लिखित संविधान है, लेकिन जो ब्रिटेन है वहाँ पे अलिखित संविधान है। ये जो भारतीय संविधान है ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके पीछे कारण क्या है? तो भारत का विस्तार और विविधता इसका एक कारण है। दूसरा, इसका ऐतिहासिक कारण भी है, क्योंकि इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के कई प्रावधान शामिल हैं, तो इसलिए भी ये बड़ा हो जाता है। साथ ही साथ केंद्र व राज्य के लिए एकल संविधान है, इसलिए भी इसमें ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। और संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व था, इसलिए बारीक से बारीक चीज़ इसमें उन्होंने लिखी है, इसलिए ये जो है संविधान वृहद संविधान हो जाता है। चलिए अगली विशेषता देखते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण जो हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ब्रिटेन से संसदीय शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख और संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं। यूएसए से मूल अधिकार, न्यायालय की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति, महाभियोग और उच्चतम न्यायालय की प्रक्रिया ली गई है। साथ ही साथ आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है आयरलैंड से, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से लिया गया है। कनाडा से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा की देन है, कनाडा से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होना भी कनाडा से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी कनाडा से ली गई है, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय भी कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लीजिए इसको। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इस बार किसी भी पेपर में आ सकता है। जर्मनी का वाइमर संविधान, ये आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन होता जाता है वो यहाँ से लिया गया है। सोवियत संघ का संविधान, इससे मूल कर्तव्य और प्रशासन जो प्रस्तावना है उसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुत्वता का आदर्श फ्रांस से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ली गई है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ व अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, ये गलत है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वचन के लिए परसंघी उच्चतम न्यायालय, तो ये डी वाला इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि वास्तविक व नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, ये नहीं सही है इसका, ये गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, ये भी गलत है। द्विसदनीय विधायिका, ये भी गलत है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, ये सही है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली भारतीय संसदीय प्रणाली में है लेकिन ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में ये नहीं है। चलिए आगे संविधान की विशेषताएं और देखते हैं। तो तीसरी विशेषता जाती है कठोर या अनम्य संविधान। तो जो भारत का संविधान है वो कठोर और नम्य संविधान के बीच का है, अर्थात इसमें कठोर और नम्य दोनों का समन्वय पाया जाता है। कठोर वो होता है जिसमें संशोधन के लिए एक विशेष प्रक्रिया हो,
कि विशेष बहुमत से ही संशोधन किया जा सकता है, और न में वो होता है कि संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया हो। तो इसमें ना कठोर है भारत में और ना ही नम्य है। कुछ के लिए कठोर है, जब संघीय व्यवस्था का सवाल आ जाता है तब संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो कठोर है। चलिए अगली विशेषता देखते हैं, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। तो भारत में संघीय शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। अनुच्छेद एक कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। जैसे अमेरिकी जो संघ है वो राज्य के बीच हुए समझौते का परिणाम है। किसी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वह संघ से अलग हो जाए। एक लाइन ये याद रखिएगा, भारतीय संघीय व्यवस्था के लिए कहा जाता है कि जो भारत जो है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अर्थात इसमें राज्य का तो विनाश हो सकता है लेकिन संघ का विनाश नहीं हो सकता है। और वहीं अमेरिका के लिए कहा जाता है कि ये अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात ना वहाँ राज्य का विनाश हो सकता है और ना ही संघ का। तो इसमें एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में कि किसी राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह संघ से अलग हो जाए। तो जैसा मैंने अभी आपको जो लाइन बताई थी वो इससे चरित्रार्थ होती है। अगली विशेषता देखते हैं, तो सरकार का संसदीय रूप। तो भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। इसमें विधायिका से ही कार्यपालिका का गठन होता है और यहाँ विधायिका व कार्यपालिका समन्वय सहयोग के आधार पर संचालित होती है। और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। इसमें जरूरी नहीं है कि कार्यपालिका विधायिका से ही चुनी जाए। अगली विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। अर्थात संसद जो है अपनी संवैधानिक शक्तियों के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय जो है अपनी न्यायिक शक्तियों के माध्यम से कानून को समाप्त या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसलिए यहाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच में समन्वय दिखाई देता है। चलिए अगली विशेषता देखते हैं, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारत में न्यायपालिका का एकल तंत्र पाया जाता है। इसमें सर्वोच्च स्तर पे है सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे है उच्च न्यायालय और सबसे नीचे है अधीनस्थ न्यायालय। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और संविधान का संरक्षण करता है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकारों को लेकर। तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार 14 से 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है और सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी पाए जाते हैं। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, सामाजिक, गांधीवादी और उदारवादी नीति निर्देशक तत्व। तो इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, अर्थात सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपने जजमेंट में कहा था मिनर्वा मिल्स वाद में कि जो मौलिक अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं इनके बीच में समन्वय होना चाहिए, अर्थात इनके बीच में संतुलन होना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला है मौलिक कर्तव्य। ये भी एक संविधान की विशेषता है। 42वें संविधान संशोधन के 1946 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस समिति की अनुशंसा पे? स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे। फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जो है 51 का में एक अन्य अनुच्छेद जोड़ा गया, 51 का के। तो ये 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो इस तरीके से 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नीति निर्देशक तत्वों की तरह इनको कानून के रूप में लागू करना आवश्यक नहीं है। और अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, या किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है या किसी धर्म को विशेष मान्यता प्रदान नहीं करता है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता की। तो भारतीय संविधान में केवल एकल नागरिकता है, वो भी भारतीय नागरिकता है। इसमें राज्यों की नागरिकता नहीं है, अर्थात दोहरी नागरिकता नहीं है।
जैसे अमेरिका में क्या है, एक व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ जो एक राज्य है उसका भी नागरिक होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, वो केवल भारतीय नागरिकता ही है यहाँ पे, तो केवल भारतीय नागरिक ही कहा जाएगा। न्यायिक अंग के अलावा स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना ये संविधान करता है, जैसे निर्वाचन आयोग 324 के तहत, नियंत्रक तथा महालेखाकार कैग 148 के तहत, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। तो ये सभी जो हैं ये स्वतंत्र निकाय हैं। अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की। देखिए 61वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1988, उसके माध्यम से मतदान की उम्र 21 से 18 कर दी गई। तो इस तरीके से ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्राप्त हुआ था। अब अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, क्या संविधान लागू होने से ही वयस्क मताधिकार था, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई वयस्क तो 18 साल से ऊपर का सदस्य भी है, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21 से जब 18 कर दिया गया तो इसमें सारे वयस्क आ गए, तो ये सार्वभौमिक वयस्क हो गया। पहले अगर कहा जाए संविधान लागू होने के समय में तो वयस्क मताधिकार था, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, क्योंकि 18 से 20 साल के लोग छूट जा रहे थे, वयस्क तो ये भी थे। चलिए अगली देखते हैं। अगला है विशेषता इसकी त्रिस्तरीय सरकार, अर्थात यहाँ पे सर्वोच्च स्तर पे संघ सरकार है, उसके बाद में राज्य सरकार और फिर स्थानीय सुशासन है। स्थानीय सुशासन को 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 अनुसूची 11 जोड़ी गई और 74वें अनुसार संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 9 का और अनुसूची 12 जोड़ी गई। ये अंत में जो आखिरी संविधान की विशेषता है वो है आपातकालीन प्रावधान। संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का भी उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा आर्टिकल 352 के तहत हो सकती है। राज्य आपातकाल या इसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं, वो 356 आर्टिकल के माध्यम से, और वित्तीय आपातकाल 360 के माध्यम से। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है, तो अभी वित्तीय आपातकाल का उपयोग एक बार नहीं किया गया, ये भी आप याद रखिएगा। सो इस लेक्चर में इतना ही था, मैंने सारे की पॉइंट्स इस लेक्चर के कवर कर दिए हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।